हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का लेक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप एक भी वीडियो को मिस ना कर पाए। बच्चों, आज हम उपस्थित हुए हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का टॉपिक लेकर। कल मैंने 21 पे वीडियो बनाया था, यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो आप पिछले वीडियो जाकर यूट्यूब पर देख लीजिए ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। मैंने वहां पर कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूलों को समझाया था बेसिकली एकदम विस्तार से, और आज भी मैं कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले के लेके आऊंगा। उस दिन मैंने आपको समझाया था वृत्त पर और वर्ग और आयत के फॉर्मूले के बारे में, और यहाँ आज हम बात करने वाले हैं जो नेक्स्ट टाइप के फॉर्मूले हैं। जैसे आपका घन की बात कर लेते हैं, जैसे आपके घनाक की बात कर लेते हैं, गोले की बात कर लेंगे, यहाँ पर बेलन की बात कर लेंगे, शंकु की बात करेंगे। आज हम यहाँ पर सारे टॉपिक को कवर करेंगे, बात करेंगे विस्तार पूर्वक। मैं उम्मीद करूँगा कि यदि आप शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखते हैं तो आप एक एक फॉर्मूले को बेहतर तरीके से आप लोग सीख पाएंगे। यदि आप फॉर्मूला किसी का बेहतर तरीके से सीख पाते हैं या आपको याद होता है तो आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन बेहतर तरीके से निकाल पाएंगे बहुत कम समय में, ठीक है। इसलिए आपको बेसिक अप्रोच का सीखना बहुत जरूरी है। तो आज हम चलते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं, एक बात कर लेते हैं घन की। तो अगर हम घन की बात यहां पर करें तो घन क्या होता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो बच्चों, यहां पर हमने एक घन बना लेते हैं, एक हम घन का यहां पर डायग्राम बना रहे हैं। हम इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, और हम इसको इससे मिला देंगे, और इसको यहां से इसको मिला देंगे, ठीक है। तो यहां पर जो आकृति बनेगी वो किसकी बन जाएगी, घन की आकृति बन जाएगी। किसकी आकृति बन जाएगी, घन। ये घन है, ठीक है। अब घन होता क्या है, सबसे पहले हमें इसके बारे में जानकारी बहुत जरूरी होना चाहिए। देखो, घन जो होगा उसमें तीन भुजाएं होंगी। तीन का मतलब कौन कौन सी होंगी, एक तो हमारी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीन भुजाएं होंगी। लेकिन कहने का उसका मतलब यह है कि जिस आकृति की तीनों भुजाएं क्या हों, जिस आकृति की तीनों भुजाएं क्या हों, समान हों अर्थात बराबर हों, उसको घन कहा जाता है। जैसे हम ये भी कह सकते हैं इसमें कि ऐसी आकृति जिसमें लंबाई, ऊंचाई और मोटाई तीनों अगर बराबर होती हैं तो ऐसी आकृति को घन कहा जाता है, ठीक है। तो ये घन की आकृति मैंने यहां पर दी है। अगर हम बात करें कि ये एक भुजा है, क्या है ये भुजा, अगर हमने इसको कितना मान लिया, ए मान लिया, कितना मान लिया, ए, तो यहाँ पर ये चौड़ाई होगी वो भी ए होगी, और जो इसकी हाइट बनेगी ये वाली वो भी क्या हो जाएगी, इसकी ए ही हो जाएगी, ठीक है, ए सेंटीमीटर बन जाएगी। तो ये घन हो गया यहाँ पर। अब घन में हम बात इस चीज पे करेंगे बच्चों यहाँ पर कि घन का आयतन क्या होता है, ये पूछ सकता है हमसे, या घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो सकता है, ये बात हमसे पूछ सकता है, ठीक है, और घन का परिमाप क्या हो सकता है, ये चीज हमसे पूछ सकता है, ठीक है। तो इस चीजों पर हम कहां पर बात करेंगे और कवर करेंगे इसको, तो आप लोग यहां देखते रहें। भाई, सबसे पहले अगर हम देखें घन का आयतन, घन का आयतन अगर हम बात करें तो बच्चों यहां पर आयतन कितना हो जाएगा, आयतन होता है कि भुजा की घात तीन, कितना होता है, भुजा की घात तीन होता है, अर्थात यहां पर ए की घात तीन, सेंटीमीटर की घात तीन बनेगा इसका आयतन घन का, ठीक है। अगर बात हम कर लेते हैं यहां से किसकी, घन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। भाई, अगर हम बात करें कि सबसे पहले ये देखें कि घन के अंदर कितने पृष्ठ होते हैं, तो घन के अंदर बच्चों कितने पृष्ठ होते हैं, छह पृष्ठ होते हैं। अब छह पृष्ठों का हम जब क्षेत्रफल यहां पर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, वो 6a² यहां पर उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। भाई, आप जानते हैं कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a² होता है, नहीं, उस वर्ग का क्षेत्रफल a² होता है, लेकिन इसमें ऐसे छह वर्ग बने हुए हैं। कैसे बने हुए, छह वर्ग बने हुए, एक बार आपका नीचे वाला हो गया, एक ये साइड वाला हो गया, एक इधर वाला हो गया, एक ऊपर वाला हो गया, चार हो गया, एक इधर वाला हो गया, पांच, और एक पीछे वाला हो गया। तो छह वर्ग यहां पर बने, और छह वर्गों से मिला जो भी आकृति होती है उसको भी हम क्या कहते हैं, घन ही कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको बात करें a² 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 और a², कहने का मतलब यह है कि छह पृष्ठों का क्षेत्रफल जोड़ दो तो वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। क्या निकल के आता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाता है।
ये बात हमसे उसने पूछी है। अब आपसे यहाँ पर बात कर सकता है भाई, वो किसी एक का पूछ ले, दो का पूछ ले, तीन का, तो आप इसको बेसिकली यहाँ से निकाल सकते हैं, मैं उम्मीद करूंगा। आइए चलते हैं, एक आध क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद आप इसको सॉल्यूशन करते हैं आगे। भाई यहाँ पर हम मान लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में एक घनाकार बक्से की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तब उस बक्से का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां पर यह बात उसने पूछी है, अब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों। तो सॉल्यूशन क्या निकालें, क्वेश्चन कहा है कि एक घनाकार बक्से की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तब उस बक्से का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। कहने का उसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर होगी। क्यों? क्योंकि घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए 5 सेंटीमीटर। लंबाई भी आपकी 5 हो गई, चौड़ाई भी 5 हो गई, और जो ऊंचाई या हाइट वो भी इसकी क्या हो जाएगी, 5 ही हो जाएगी। तो यदि हम निकालें यहां पर घनाकार बक्से का पृष्ठीय क्षेत्रफल, नहीं पृष्ठीय बक्से का आयतन निकाल लेते हैं, का आयतन, पहले आयतन पूछा है ना हमसे, तो आयतन निकाल लेते हैं। और आयतन क्या होता है अभी, भुजा की घात कितना होता है, 3 होता है, तो भुजा कितनी है, 5, तो यह लिखेंगे 5 और 5 की घात 3, अर्थात 5 की गुणा जब हम करेंगे कितनी बार, 3 बार करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 125 सेंटीमीटर की घात 3 आ जाएगा। तो 5 × 25 = 125 सेंटीमीटर की घात कितनी बन जाएगी, क्यूब अर्थात 3 बन जाएगी। आगे हमसे पूछा है इसमें, क्या पूछा है कि घनाकार बक्से का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों यहां पर थोड़ा समझना आपको, यह बात है पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि अगर इस बक्से के चारों तरफ हम एक अखबार लगा दें या पेपर से इसको ढक दें, तो उसको हम क्या कहेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, चारों तरफ से बिल्कुल भी बक्सा हमें दिखाई नहीं देगा, तो वो होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, आयतन का मतलब यह होता है कि जितना इसके अंदर कोई भी चीज आ सकती है वो उसका आयतन कहलाएगा। तो यहां पर हम निकाल लेते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमने बताया था भुजा, मतलब 6 भुजा स्क्वायर होता है, मतलब 6a² ये आपको मैंने समझाया फॉर्मूले में कहां से होता है, तो 6 80 रहने देंगे, एक ही वैल्यूज लगाएंगे, एक ही वैल्यूज 5 का वर्ग लगाएंगे, अर्थात यहां से कितना हो जाएगा, 6 × हो जाएगा बच्चों, यहां से 5 का वर्ग कितना, 25, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा, मतलब 150 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर और नेक्स्ट टॉपिक में आज समझेंगे आप घनाभ को, तो घनाभ की बात यहां पर कर लेते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट देकर रिप्लाई देंगे, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको कैसा लगा है। आगे हम लेते हैं इसको घनाभ, तो घनाभ के बारे में बात कर लेते हैं कि घनाभ क्या होता है बच्चों। ये लंबाई हो जाएगी इसकी और ये हो जाएगी चौड़ाई, चौड़ाई को हम बी मान लेते हैं, और ये हो जाएगी हाइट, मतलब ऊंचाई को एच मान लेते हैं। ठीक है, मैंने यहां पर ये घनाभ बना दिया है, घनाभ की आकृति बनाई गई है इसको। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम ये समझते हैं कि घनाभ होता क्या है।
तो घनाभ की अगर मैं बात यहां पर करता हूं तो घनाभ यहां पर जो होता है कि जो आयत होते हैं आयतों से मिलकर बना आकृति को क्या कहते हैं, हम घनाभ कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो, भिन्न हो, ऐसी आकृति को हम क्या कहेंगे, घनाभ कहेंगे। ठीक है, मतलब तीनों ही भुजाएं क्या हो, उसकी असमान हो, तो जब जो भी आकृति निर्मित होगी उस आकृति को घनाभ कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए, ध्यान रखना उसमें कि पृष्ठ इसके अंदर भी सिक्स ही होंगे। कितने पृष्ठ होंगे इसमें, सिक्स ही पृष्ठ होंगे। लेकिन आप यहां पर ध्यान रखें कि घनाभ में दो तो जो होते हैं क्या होते हैं, यहां पर घनाभ में दो होते हैं वर्ग और चार जो होते हैं वो होते हैं आयत। चार आयत और दो वर्गों से मिलकर बनी आकृति को घनाभ कहा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यहां से कि घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, आयतन के बारे में बात यहां पर हम कर लेते हैं। ठीक है, तो आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। ठीक है, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं एल गुणा बी गुणा एच, घन सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर हो जाएगा। बात आती है अगर इसके घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात है यहां से करें तो बच्चों यहां से जो बनेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम जानते हैं कि इसके अंदर चार तो क्या है, चार यहां पर हमारे दे रखा है कि इसके अंदर जो चार दे रखे हैं वो आयत हैं और दो ही दो वर्ग हैं। अगर उनके सबको यहां पर जोड़ दिया जाए तो कितना बन जाएगा, यहां पर हो जाएगा देखो टू लगा दो आगे उसके, और लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। ये क्या हो जाएगा इसका, मतलब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। मतलब इसको चारों तरफ से अगर कपड़े से या किसी अखबार से ढका दिया जाए, ये बिल्कुल दिखाई न दे, तो उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो इतना बन जाएगा, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको कहा जाएगा। ठीक है, यह बात आपके समझ में यहां तक आ रही होगी। इसके कुछ क्वेश्चन लेते हैं एक दो और क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में यहां ले लेता हूं इस तरीके से, एक आयताकार घनाभ, एक आयताकार घनाभ, यही लिख देंगे इसमें, एक घनाभ, सॉरी यहां लिखेंगे एक बक्से का एक घनाभकार बक्से की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, तब उसका आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हम इसमें सॉल्यूशन निकालने से पहले क्या कर लेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर जो भुजाएं दे रखी हैं उसको लिख लेते हैं। भाई आपका ये दे रखा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये दे रखा आपको 5 सेंटीमीटर और यहां पर जो दे रखा है आपका वो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये घनाभ का आकार एक बक्सा दिया हुआ है जिसमें 10 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है, चौड़ाई उसकी 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर उसकी दे रखी है। तो सबसे पहले अगर हम इसका निकालें कि भाई घनाभ कार बक्से
का आयतन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? आयतन। तो आयतन के लिए हम जानते हैं कि एल गुणा बी गुणा क्या होगा, एच होगा। और एल कितना हमारा 10 दे रखा है, बी कितना दे रखा 6, और एच कितना दे रखा 5। हम अगर इसकी मल्टीप्लाई करें तो बच्चों यहां से कितना बनेगा मल्टीप्लाई, इसकी देख लेते हैं कि 6 × 5 = 30 और 30 ढाई कितने हो गए 300। 300 सेंटीमीटर की बात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, या घन सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये बक्से का क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, ये दूसरे पॉइंट में पूछा उसने कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर हम लिखे यहां पर बक्से का, बक्से का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहां पर जो बनेगा 2 × L × B और प्लस बी एच और प्लस एच एल, ये तो होगा। अगर हम इसकी वैल्यूज यहां पर लगाएं तो बच्चों कितना बनेगा, ये यहां पर जाएगा 2 × L की वैल्यूज लगाएंगे, यहां पर 10 है, बी की 6 है, बी की 6, एच की आपकी 5 है, और एच की 5 है और एल की आपकी 10 है। आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना अच्छा है 60, 60 प्लस कितना हो जाएगा 30 और प्लस कितना जाएगा 50। आप कंप्लीट इसको सबको जोड़ेंगे तो 6, 60 और 30 90 और 5 140, 140 की गुणा कर लेंगे 2 से तो कितना बनेगा यहां पर 280 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका आंसर बन जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा आपको इसका सोल्यूशन जरूर समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आए तो आप इसका मतलब 280 क्या हो जाएगा इसका 280 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको यहां से इधर कर लेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको इसका सोल्यूशन जरूर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक करते रहे, कमेंट देकर रिप्लाई जरूर दें। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं यहां पर बेलन, ठीक है। मैं बात कर लेता हूं बेलन पर, बेलन। तो बेलन किस तरीके से होता है बच्चों, तो बेलन कुछ इस टाइप से होता है, इसको सिलेंडर बोलते हैं, सिलेंडर, ठीक है। ये अगर इसकी हाइट की बात हम करें तो इसकी हाइट h ले सकते हैं, मतलब इसको ऊंचाई कहते हैं, ऊंचाई, ठीक है। ये आपका अगर इसकी बात करें तो यहां से एक सेंटर ले लेते हैं, और डॉट डॉट अगर इसकी बात करेंगे तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको त्रिज्या कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको, त्रिज्या कहा जाता है, ठीक है। और यहां से यहां तक इसकी बात करें तो ये टोटल होता है व्यास, क्या होता है, ये व्यास होता है, ठीक है। आपको यहां तक बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये बेलन है, क्या है ये बेलन, एक बेलन हमने यहां पर बनाया है जिसकी त्रिज्या ये आर मान ली है, हाइट उसकी ऊंचाई मतलब एच ले ली है, और व्यास उसका होता है ये वाला। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है, अर्थात व्यास बराबर 2r के होता है। यहां तक आपको बात समझ में आ जाने चाहिए। अब बात यहां पर आती है भी होता क्या है, ये मतलब ये ठोस होता है वैसे, तो ठोसों की हम बात यहां पर कर रहे हैं, तो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म यहां पर बन के आ जाएगी। जैसे अगर मैं बात करता हूं इस पेन की, तो ये मार्कर जो आपका एक सिलेंड्रिकल फॉर्म है, इसका मतलब क्या हो गया, ये आकृति दी गई है, ये बेलन की आकृति दी गई है, ठीक है। यहां पर ये बेलन लगा हुआ है, अगर इसकी बात करूं तो ये एक शंकु की आकृति लगी हुई है यहां पर, तो इस टाइप से हम बात यहां पर कर रहे हैं। तो ये आपका क्या होगा, बेलन हो गया। अगर बेलन की हम बात करें कि बेलन में, बेलन का आयतन कितना होगा, तो जो बेलन का आयतन होता है बच्चों, आयतन का, बेलन का आयतन हो जाएगा एक पाई आर स्क्वायर एच, कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच घन सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसे बना ये बात देख लेते हैं हम भाई। अगर हम बात करें कि इसका जो क्षेत्रफल होगा एक वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी है, एच। यदि इसका क्षेत्रफल जो है वो पाई आर स्क्वायर है, और इसको हम एच ऊंचाई तक ले जाएंगे, तो एच ऊंचाई तक जब इसको भरना है मुझे, तो हम क्या कर लेंगे, हाइट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बात यही तो हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे अनगिनत वृत्त बन जाएंगे और उनकी हाइट कितनी है, एच है। यदि हम एच से मल्टीप्लाई कर लें तो बेलन का क्या निकल जाएगा, वो आयतन निकल जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। यदि समझ पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते रहें, कमेंट्स देकर रिप्लाई जरूर दें कि आपको सोल्यूशन कैसा लग रहा है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कभी ना भूलें, ठीक है। आइए चलते हैं, अगर हम देखें यहाँ पर बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र
पृष्ठ बात करें या वक्री पृष्ठ बात करें, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ का मतलब हो गया कि इस वाली पार्ट और आपने यहां पर क्या लगा दिया, कोई कपड़ा लगा दिया है, ठीक है, इधर और इधर आप क्या लगा रहे हैं, कोई कपड़ा लगा रहे हैं, तो इसका वक्र पृष्ठ जो बनेगा भाई, आप इसकी बात करें तो यहां पर इसकी तीन दूरी जाएगी 2πr, कितनी 2πr, क्योंकि एक वृत्त की जो परिधि होगी वो 2πr हो जाएगी। तो मैं अगर इसकी परिधि पर 2πr लगा दूं, यहां पर 2πr और h से मल्टीप्लाई कर दूं इसकी, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका वक्र पृष्ठ बन जाएगा, क्या बनेगा इसका वक्र पृष्ठ सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो ये चीज आप यहां तक विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर मुझे इस पे पूरे पे कपड़ा लगाना है यहां से, तो क्या हो जाएगा आपका एच से मल्टीप्लाई कर लेंगे किसकी, वृत्त की परिधि से। आगे हम देखते हैं कि इसी में एक टॉपिक और बन जाता है हमारा कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ की बात कर लें, तो जो संपूर्ण पृष्ठ होगा, संपूर्ण पृष्ठ जो होगा वो संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πrh, भाई आपका इसका वक्र पृष्ठ जोड़ दो प्लस उसमें एक ये वाला बच गया हमारा वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल और जोड़ देंगे प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यदि मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं, नहीं 2πr² दोनों का ही छोड़ना पड़ेगा ना इसका, तो 2πr² यहां से कॉमन लेते हैं 2πr, तो बचा कितना यहां से आर प्लस एच, कितना बचेगा आर प्लस एच सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहां पर 2πr r प्लस एच एक वक्र पृष्ठ इसका जोड़ दिया और दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल यहां पर जोड़ दिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां से निकल कर आ गया। मैं उम्मीद करूंगा आपके सोल्यूशन जरूर समझ में आ रहा होगा। आइए चलते हैं, एक दो क्वेश्चन से लेते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं इस पे। लिखते हैं क्वेश्चन में कि एक बेलन जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तथा व्यास 10 सेंटीमीटर है, तब उसका आयतन वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। यहां पर तीनों चीज हमने लिख ली हैं। पहली चीज हम निकाल लेते हैं आयतन, दूसरे में वक्र पृष्ठ और तीसरे में संपूर्ण पृष्ठ की हम बात कर लेते हैं। यदि हम बात करें यहां पर बेलन, बेलन का आयतन, तो बेलन का जो आयतन हो जाएगा बच्चों, यहां पर जो दे रखा है इसकी जो दूरी दे दी है वो दी 5 सेंटीमीटर, कंप्लीट जो व्यास दिया है वो दे रखा 10 सेंटीमीटर, और जो हाइट दे दी गई है उसने वो हाइट कितनी दे रखी है इसकी 15 सेंटीमीटर, ये बात उसने कही है। भाई हमने 5 सेंटीमीटर क्यों करा, कि व्यास जो है 10 है तो त्रिज्या उसकी आधी होती, 2 से भाग कर दिया तो कितना है ये 5 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता, भाई ऐसे रह देंगे आर की वैल्यूज लगा देंगे, आर का मान कितना 5 का वर्ग, एच का मान कितना है 15 है, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर पाई इंटू कितना जाएगा 25 और इंटू कितना जाएगा 15, आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 15 × 75 का 5 हो जाएगा और 15 × 2 = 30 और 7 कितना होगा 37, 375 पाई घन सेंटीमीटर। आप पाई की वैल्यूज भी लगा सकते हैं या छोड़ सकते हैं पाई में, पाई घन 375 पाई घन सेंटीमीटर से क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दूसरे पॉइंट में हमसे पूछा वक्र पृष्ठ, अगर वक्र पृष्ठ निकालें इसका तो होगा 2πrh, और हम जानते हैं 2 × 2π ऐसे रहने देंगे और r के मान 5 और h का मान 15 लगा लेंगे, 15 × 2 = 30 और 30 की गुणा कर लेंगे 2 से तो कितना जाएगा 60π वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा आप इस बात को समझ पा रहे होंगे मेरे। और तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पॉइंट पूछा उसने संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ हम जानते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ जो होता है बेलन का, संपूर्ण पृष्ठ वो होगा 2πr और r प्लस एच के, हम यहां पर वैल्यू लगाएंगे 2 × π, ऐसे ही r की वैल्यू 5 लगाएंगे, 5 और प्लस कितना लगा देंगे यहां से 15 लगा देंगे, भाई r का मान 5 s का मान 15 लगाएंगे तो 5 × 10 π और इंटू 15 और 5 कितने हो गए 20 गुणा कर लेंगे तो कितना जाएगा 200π वर्ग सेंटीमीटर, 200π वर्ग सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा।
ठीक है। यदि आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहे, कमेंट्स देकर रिप्लाई जरूर दें कि आपका सॉल्यूशन कैसा लगा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। भाई आज हम दूसरी नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे इसमें शंकु। अगर शंकु की बात करें तो शंकु क्या होता है? शंकु की जो आकृति होती है वो कुछ इस टाइप से बनी होती है। शंकु की जो आकृति बनी होती है वो कुछ इस टाइप से बनी होती है, ठीक है। अगर इसकी हम बात करें तो हाइट की, यहां से अगर बात करें तो ये होगी इसकी त्रिज्या, इसको आर मानते हैं। इसको अगर बात करें तो ये इसकी हो जाएगी हाइट, मतलब ऊंचाई हो जाएगी, इसको एच मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसको एच मान लेते हैं, ठीक है। तो बस इसमें दो ही तीन चीज है इंपॉर्टेंट करने के लिए। और इसको अगर हम बात करें तो ये होती है इसकी त्रियक रेखा। तो त्रियक रेखा अगर हम बात करें तो त्रियक रेखा जो होती है वो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होती है। इसको बोलते हैं एल। क्या मानते हैं? इसको एल मान लेते हैं। तो बस ये चीज आपको यहां से समझ लेना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये किस तरीके से होता है, जैसे हम बात करते हैं लट्टू की बात करते हैं तो लट्टू जो होता है एक शंकु की आकृति दी होती है। ये जोकर के टोपी की बात करते हैं तो वो क्या होता है? शंकु की आकृति होती है, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रख लें। सबसे पहले हम चलते हैं कि शंकु का आयतन कितना होगा। शंकु का, लेकिन शंकु का आयतन से पहले हम देखते हैं कि ये वाली पार्ट कहां से आता है। अगर हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर किसके होता है? लब के वर्ग के। भाई कर्ण का वर्ग इस वाले के, कर्ण का वर्ग हम माने जैसे ओ ए ओ बी, तो हमारा जो कर्ण का वर्ग बनाएगा तो वो हो जाएगा हमारा भाई ए बी का वर्ग बराबर हो जाएगा ओ बी का वर्ग और प्लस ए ओ का वर्ग। तो ए बी कितना है? एल माना है हमने। और ओ बी कितना है भाई? एच है, क्योंकि ये रखा ओ बी, एच हाइट ऊंचाई इसकी, और जो आर दे रखा है वो ये है, ठीक है। भाई ए ओ कितना है? आर है ना, यहां से तक की तरह से रखी है। तो अगर हम वर्ग करें तो एल इजिकल टू एल स्क्वायर इजिकल टू एच स्क्वायर प्लस का एल आर स्क्वायर के बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा कितना? एल बराबर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। ये क्या होगी? इसकी त्रियक रेखा की लंबाई या तिरछी ऊंचाई भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। आगे चलते हैं हम इसमें कि शंकु, शंकु का आयतन। अगर शंकु की आयतन की अगर बात करें तो शंकु का आयतन एक बटा तीन पाई आर स्क्वायर एच के होता है। शंकु का आयतन एक बटा तीन पाई आर स्क्वायर एच बनता है, घन सेंटीमीटर इसको बोल देंगे। क्या बोलेंगे इसको? घन सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम इसे नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं कि शंकु का, शंकु का पृष्ठीय या वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बच्चों ये बनेगा आपका पाई आर एल। कितना हो जाएगा? पाई आर एल के बन जाएगा। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। आगे हमसे पूछ लेता है कि तीसरे नंबर पर कि शंकु का, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। क्या पूछ लेता? संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ जो बनेगा बच्चों हो जाएगा पाई आर एल भाई वक्रपृष्ठ में प्लस एक व्रत, ये वाला जो बचा इस व्रत का क्षेत्रफल और जोड़ लेते हैं पाई आर स्क्वायर। तो फाइनली आपका जो बनेगा ऐसे पाई आर, और यहां से बचेगा पाई आर और एल प्लस आर के, ठीक है। वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इन दोनों की चीज जो सॉल्यूशन सारे फॉर्मूले आप याद करते रहे। दो तीन बार इसको वीडियो को देख लीजिए, रिपीट कर लीजिए आप लोग ग्रुप पे नोटबुक पे लिख के, क्योंकि आप जिससे बेहतर तरीके से इन फॉर्मूलों को कवर कर पाएंगे, क्योंकि आप जब इन कवर करवाएंगे तो मैं इस पर जल्द ही बनाने वाला हूँ वीडियो एक्सरसाइज पर, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां पर लूंगा एकदम बेसिक से। आप लोग जो है सभी इस चीज को बेसिक तरीके से और बेहतर तरीके से समझें, मैं गारंटी के साथ कहूंगा कि आप लोग इस टॉपिक में काफी मेहनत करेंगे तो आप एक दिन एक भी क्वेश्चन इसका नहीं छोड़ पाएंगे, और बहुत ही इंटरेस्टेड आपके लिए टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं फिर आगे। इसमें एक आध क्वेश्चन से लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम कि माना
एक शंकु जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तथा उसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तब आयतन वक्रपृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो तीनों चीज यहां पर हम ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले अगर हमें ज्ञात करना क्या है, आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन के लिए हम जानते हैं कि ये वाली जो दूरी उसने दे रखी है भाई, ये कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, और ये दे दिया उसने 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर यहां से दिया गया है। तो हम कर लेते हैं कि शंकु का आयतन, तो जो शंकु का आयतन होगा बच्चों वो होगा पाई आर स्क्वायर एच के, नहीं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के हो जाएगा। ठीक है, 1/3 ऐसे रहने देंगे, पाई भी आप ऐसे रहने दो, और आर का जो मान लगाएंगे तो आर का जो मान यहां से होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग होगा, और इनटू एच का मान 10 है। तो आप जब इसको देखेंगे तो कितना जाएगा, ये जाएगा 5×5 25, और 25 की गुणा कर लेंगे इसे 10 से, तो 250 पाई और बटे में कितना जाएगा 3 घन सेंटीमीटर। कितना बनेगा, घन सेंटीमीटर भाई, 5 का 25 दहाई कितने होगा 250, और पाई ऐसे रहने दे बटे में 3 घन सेंटीमीटर बन गया। उसके बाद अगर हमें निकालना क्या चाहिए, उसके बाद हमें निकालना है वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ के लिए आप जानते हैं कि आपके लिए फॉर्मूला पाई आर एल होता है, लेकिन हमारे पास एल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाई ऐसे रहने देंगे। आर का मान तो लगा सकते हैं आप, आर का मान 5 होगा, लेकिन एल के स्थान पर आप ये लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इसका भी मान लगा देते हैं, पाई ऐसे रहने देंगे, 5 भी ऐसे रहने देंगे, और इसका मान लगा लेते हैं यहाँ पर कि 5 का वर्ग और प्लस 10 का वर्ग। तो बच्चों यहाँ से पाई और 5 प्लस कितना बनेगा, रूट में यहाँ पर हो जाएगा 25 और प्लस 100। तो यहाँ से जो फाइनल बना तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से फाइनल पाई इंटू 5 और प्लस 125, और 125 को जब आप बाहर लिख लेंगे तो पाई इंटू 5 और प्लस 5 रूट 5 के बन जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं फाइनली 5 पाई और रूट में रूट 5 प्लस 1 के वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इसका सोल्यूशन जरूर समझ में आ रहा होगा। ये समझ में आ रहा था, वीडियो को लाइक भी करते रहें और शेयर भी करते रहें। ठीक है, अगर हम आगे देखें इसको नेक्स्ट, कि आगे हमसे क्या पूछा है, इसमें हमसे पूछा संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ को हम ज्ञात कर लेते हैं, और संपूर्ण पृष्ठ क्या बन जाएगा हमारा, संपूर्ण पृष्ठ, ये संपूर्ण वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, तो पाई आर और आर प्लस एल है, तो आप इसमें लगाएंगे पाई ऐसे रहने देंगे, आर के स्थान पर 5, यहां भी 5, और यहां पर आप आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लगा देंगे, ये इसको कर देंगे 5 पाई, और यहां से 5 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 5 का वर्ग और प्लस 10 का वर्ग, यही तो हो जाएगा। और यहां से हम देखें तो 5 पाई और ये बनेगा 5 प्लस का, ये हो जाएगा आपका 125, अभी करा था हमने 125 बनेगा ये, और 125 को हम क्या ले सकते हैं, 5 प्लस 5 रूट 5 ले सकते हैं, 5 फिर बाहर निकाल देंगे तो 5×5 25 हो जाएगा, ये वाला 5 और 5 ये बाहर 25, और रूट 5 और प्लस का बनेगा 1, तो हो जाएगा 25 पाई रूट 5 प्लस 1 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं आप लोगों से आगे अगले नेक्स्ट टॉपिक पे बात करूंगा, और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक कितना बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं गोला, एक गोले की बात हम बात कर लेते हैं यहां पर। ये आप शंकु तक आपको बात कंप्लीट आ गई होगी समझ में। ठीक है, आप जहां भी कोई समस्या आपको आती है तो वीडियो को पीछे हटा के दोबारा से देख सकते हैं, और वीडियो को 2-3 बार आप देखें तो आपको ये फॉर्मूले काफी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगे, और समझ में आते ही आपको मेंसुरेशन अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का जो टॉपिक है बहुत ही बढ़िया तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऐसे डायग्राम की कि गोला, गोला जो आकृति है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि गोला क्या होता है। भाई यहां पर मैं इस तरीके इसको दर्शा सकता हूं, क्योंकि यहां पर 3 डायमेंशन तो मैं दिखा नहीं सकता हूं। ठीक है, लेकिन गोला है तो इसलिए थोड़ा सा इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं इसको।
गोले की आकृति है, गोला क्या होगा, ठोस हो सकता है, खाली भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा इसके तीन डायमेंशंस में होगा। जैसे हम कह सकते हैं हमारी पृथ्वी, तो हमारी पृथ्वी जो है वो क्या है, गोले की आकृति है। कैसी, गोले की आकृति। हम बात कर लेते हैं कि बॉल की, फुटबॉल की, ये सब क्या होते हैं, गोले की आकृति के होते हैं, ठीक है। कंचे की बात करते हैं, वो भी क्या होता है, गोला होता है। तो आप ध्यान रखना गोला और वृत्त में डिफरेंस समझ लें। अगर इसकी त्रिज्या यहां से मैंने कितनी मान ली, आर है, आर सेंटीमीटर क्या इसकी त्रिज्या दे दी गई है। तो अगर हमसे यह पूछा लिया जाता है कि गोला जो होता है, कि गोला क्या होता है, गोला होता है मतलब एक ठोस गोल आकृति को हम क्या कहते हैं, गोला कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल कंचा दे सकते हैं आप लोग, बॉल दे सकते हैं, ठीक है, या हमारी पृथ्वी जो है एक गोले की आकृति है, इससे बढ़िया एग्जाम्पल तो हमें मिलेगा नहीं, ठीक है। तो हम इसके बात कर लेते हैं कि गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन। तो गोले का जो आयतन बनता है बच्चों, वो होता है कि 4/3 पाई आर की घात 3, 4/3 पाई आर की घात 3 बन जाएगा इसका घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर क्या बन जाएगा इसका, आयतन बन जाएगा। बात कर लेते हैं कि इसकी यहीं से ही कि गोले का आयतन तो हो गया है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की अगर बात कर लें तो बच्चों ये बन जाएगा 4πr² वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अगर बात करें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, भाई इसको हम चारों तरफ से इसको ढकना है, कवर करना है इसको, तो ये 4πr² इसका वर्ग सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बन जाएगा, और ये इसका आयतन बन जाएगा। अब यहां से हम देख लेते हैं कि बच्चों यदि गोले को काट दिया जाए तो उसको कहा जाएगा अर्धगोला, क्या कहा जाएगा, अर्धगोला। जब अर्धगोला बन जाएगा, ये अर्धगोला बना, इसकी त्रिज्या मैंने वही ले ली आर, आप जानते हैं कि यहां से ऊंचाई भी जो बनेगी वो भी आर हो जाएगी, हाइट भी क्या हो जाएगी इसकी, आर हो जाएगी। तो अगर हम बात कर लेते हैं यहां से अर्धगोला, तो अर्धगोले का आयतन बात कर लेते हैं कि अर्धगोले का आयतन कितना होता है, अर्धगोले का आयतन, तो आयतन होगा बच्चों 2/3 और पाई आर की घात 3, 2/3 पाई आर की घात 3 क्या हो जाएगा इसका, आयतन बन जाएगा। बात करते हैं दूसरे यहां पर कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें तो बनेगा 2πr² वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ये तो हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि अगर हमसे बात कर लेता गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें तो बच्चों इसका जो मान बनेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हम करें तो देखो यहां पर तो हमने जो इसका कपड़ा चलाया है, ये अखबार कोई यहां से लगाया है, इसको ढका है, तो बना 2πr², लेकिन इसके ऊपर एक वृत्त की आकृति और बन जाती है। तो कहने का मतलब हो गया कि इसमें हमारा एक तो गोले का इसका होगा अर्धगोले का आयतन, और दूसरा क्षेत्रफल 2πr², और दूसरा हो गया एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो कहने का मतलब होगा 3πr² वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका मतलब अर्धगोले का संपूर्ण ये पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर, एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसका और उसको सॉल्व कर लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर मैं लेता हूं एक ठोस गोला जिसकी त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर मीटर है, ठीक है। तो उसका आयतन और क्षेत्रफल, आयतन या हम लिख सकते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम जब इसका निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, यहां पर इसकी जो वैल्यू दे दी आर बराबर 3 सेंटीमीटर दे दी, कितनी दे दी 3 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि जो गोले का आयतन जो बनेगा वो कितना होगा, 4/3 पाई आर की घात 3 हो जाएगा, 4/3 ऐसे ही, और पाई की जो वैल्यू लगाएंगे यहां पर, पाई ऐसे रहने दो और आर की मान लगा लेंगे 3, 3 का वर्ग घन हो जाएगा। तो बच्चों 4/3
पाई और गुणा यहां से बचा 27 को कैंसिल कर देंगे 9 से, 9 चौके कितने होगा 36, तो 36 पाई क्या बन जाएगा घन सेंटीमीटर इसका आयतन बन जाएगा। अब बात आ जाती है कि इसका गोले का क्षेत्रफल, गोले का अगर क्षेत्रफल हम निकालें तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 ऐसी पाई भी ऐसी, आर का मान लगा लेंगे 3 का वर्ग, अर्थात पाई 4 पाई गुणा कितना हो जाएगा 9 का 3 का वर्ग 9 अर्थात 9 चौक 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर, 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा आपको इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा और सारे टॉपिक आपको क्लियर हुए होंगे एकदम। यदि क्लियर हुए तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कभी ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोगों से विदा चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद।